फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है चैनल जीरो टू इन्फिनिटी चैनल में, दिस इज द जर्नी विद प्रफुल्ल डाबी। आज का जो हमारा एपिसोड है दैट इज द एपिसोड नंबर 25, और ये एक नई हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं दैट इज द करंट सीरीज फॉर द इंडिया या समसामयिक सीरीज, यानी जो भी हमारे करंट अफेयर्स रहेंगे, करंट मुद्दे रहेंगे, उसके ऊपर बिल्कुल खरे खरे मैं अपने जो विचार होंगे वो आपके समक्ष रखने का पूरा प्रयास करूंगा। हो सकता है कि मेरे विचार आपको पसंद आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, परंतु वाल्टेयर के शब्दों में, हो सकता है कि आप मेरे विचारों से सहमत ना हो पाए, परंतु मेरे विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए अपने ही संदेह मेरा साथ देंगे। तो मित्रों, स्वागत है आपका इस एपिसोड नंबर 25 में। दिस इज फॉर द किसान आंदोलन 2020 या कृषि बिल जो है 2020, उसके ऊपर कुछ चुने हुए विचार। दिस इज अ लीगल डिस्क्लेमर। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर योर काइंड अफेक्शन एंड द सजेशन। वेलकम इन द समसामयिक सीरीज, वेलकम इन द न्यू वर्ल्ड। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। भारत में किसान आंदोलन 2020, जैसा कि आप आज सभी लोग देख पा रहे हैं कि किसान आंदोलन की अंतर्कथा अब दिल्ली दाखिल की तैयारी। सरकार नरम परंतु किसान गरम। कारण क्या है? 3 नए कृषि कानून इसके पीछे के कारण है। सभी का उद्देश्य, भले वो किसान खुद हो, चाहे राज्य सरकारें हो या कॉरपोरेट जगत हो, सभी का उद्देश्य केवल एक ही है, किसानों के जीवन की बेहतरी। और इस उद्देश्य प्राप्ति हेतु केंद्र सरकार लेके आई है कुछ नए कानून, लगभग 3 नए कानून हैं, और किसानों ने वही चाहा है कि उनका जो उद्देश्य है किसानों की जीवन की बेहतरी, उसके लिए किसानों के द्वारा दिल्ली कूच किया गया है, दिल्ली का घेराव किया गया है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया है। और इसी के लिए विपक्षी दलों द्वारा एकजुटता दिखाने का प्रयास किया गया है और केंद्र सरकार का सामूहिक रूप से विरोध किया गया है। तो इसके सकारात्मक कुछ आयाम है कि सभी का उद्देश्य केवल एक है, अन्नदाता, जो हमारे प्राणदाता है, अन्नदाता है, उनके किसानों के जीवन की बेहतरी। किसान एकजुट है, किसानों की जो ऊर्जा है वो एक साथ में इकट्ठी हो चुकी है, दैट इज ए सकारात्मक या पॉजिटिव सिंबल फॉर अवर नेशन। विपक्षी दल सारे एकजुट हो गए हैं, बहुत सारे कम ऐसे मुद्दे होते हैं जबकि हम एक हो पाते हैं, और विपक्षी दल एक साथ में है, इसका मतलब मुद्दा कुछ बड़ा है। मित्रों, सरकार द्वारा भविष्योन्मुखी कृषि का स्वप्न है ये, एक फ्यूचर के अंदर कृषि किस प्रकार होनी चाहिए, सरकार ने एक स्वप्न देखा है और उस हेतु अपने प्रयास किए हैं। विकसित देशों की भांति कॉर्पोरेट क्षेत्र का कृषि क्षेत्र के अंदर प्रवेश हुआ है। इससे पहले तो केवल जीवन निर्वाह कृषि होती थी, किसान केवल जितना पैदा करता था ज्यादातर खुद कंज्यूम कर लेते थे, या केवल एक जिंदगी एक शो मिनिमम रिक्वायरमेंट के ऊपर चलती थी, बहुत ज्यादा वो विलासिता नहीं कर पाता था, केवल अपने जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाता था। तो जो जीवन निर्वाह कृषि का जो मॉडल है उससे मुनाफे वाली कॉरपोरेट या व्यवसायिक कृषि के रूप में हमने जाने का प्रयास किया है। और कुछ और सकारात्मक चीजें हैं इसमें कि किसानों को भ्रष्टाचार से कुछ राहत होने की संभावना है, क्योंकि किसान औने पौने दामों में अपनी फसल को बेचता है। आप जानते हैं कई बार टमाटर नहीं बेचने का टमाटर फेंकने का नौबत आ जाता है, 2 रुपए या 1 रुपए के अंदर भी किलो उसको दाम नहीं मिल पाते हैं। और बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आम आदमी या जो ग्राहक है वो भी महंगाई का अनुभव करता है, यानी किसानों को भी कुछ नहीं मिला और आम जनता जो है या कॉमन मैन है उसको भी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर प्रॉब्लम है कहां पर? इसका मतलब क्लियर कट इंडिकेशन है मेरे मित्रों कि बीच के क्षेत्र में कुछ न कुछ एक हैवी गड़बड़ है, कुछ रियली में कुछ प्रॉब्लम है। और इसीलिए एक छोटा सा गाना था कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाई जात है। किसानों को भी महंगाई का सामना करना पड़ा है और आम आदमी को भी महंगाई का सामना करना पड़ा है, तो आखिर इससे बेनिफिट कौन हो रहे हैं? जो बीच का आदमी है, जो बीच में कुछ न कुछ गड़बड़ है। और सकारात्मकता का एक और पहलू है कि कॉरपोरेट जो सेक्टर है उनके पास में धन है, पैसा है उनके पास में नई टेक्नोलॉजी है, उनके पास में बाजार है, वैश्विक पहुंच है, विश्व में वो कहीं पे भी जा सकते हैं,
फूड का प्रोसेसिंग प्लांट उनके पास में है, दे कैन स्टोरेज द जो क्रॉप है उनको कम से कम महीनों तक और सालों तक वो उसको स्टोर करके रख सकते हैं, फूड का प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी वो बना के रख सकते हैं, और इन नटशेल अगर मैं कहूँ कृषि का हुलिया ही बदल के रख सकते हैं। तो मेरे मित्रों ये बिल्कुल गलत भी नहीं है यदि कॉरपोरेट सेक्टर अपनी सेवा भाव से यदि इस मुद्दे के अंदर यदि इस कृषि के अंदर एक क्षेत्र के अंदर अगर सेवा करना चाहता है तो। परंतु कुछ नकारात्मक पहलू भी है इसके अंदर, किसानों को अपने ही चुनी हुई केंद्र सरकार के इरादों पर भरोसा नहीं है। मित्रों नोट कीजिएगा इस चीज को, सरकार अपनी चुनी हुई है, डेमोक्रेसी अपनी है, लोकतंत्र अपना है। लोकतंत्र मतलब जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाए जाने वाला शासन। तो किसानों को अपनी ही चुनी हुई केंद्र सरकार के इरादों पर भरोसा नहीं है तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। विरोध का चरम स्वरूप जैसा कि दिल्ली घेराव है या राजमार्ग को उन्होंने जाम किया है बिल्कुल शुरुआत में ही, आप इमीडिएटली कृषि बिल लेके आए, पास किया और 15 दिन के अंदर अंदर आगे इस लेवल तक हो गई कि हमें दिल्ली को घेरा करने का जरूरत पड़ गया। अपनों के द्वारा अपनों का घेरा किया जा रहा है, किसान भी हमारे अपने हैं, दिल्ली भी हमारी अपनी है। तीसरा पॉइंट है नकारात्मक, विरोधी दलों का राज अनैतिक किया जाना। सॉरी मित्रों, राजनीति एक बहुत ही पिक्यूलियर या कीमती शब्द हो गया है आज के समय। राजधर्म और धर्म को तो भूल जाइए आप, राजनीति भी हम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। राज अनीति का बोलबाला है हमारे देश के अंदर और इट मे बी पॉसिबल कि पूरे विश्व के अंदर बहुत ही कम जगह पे राजनीति भी हम ढंग से काम ले पा रहे हैं। और इसका चरम उदाहरण है कुछ राज्य सरकारों ने कानूनों को पहले से ही लागू कर लिया है। दिल्ली सरकार ने 3 में से 1 कानून को लागू कर लिया है, पंजाब सरकार शायद 1 या 2 कानूनों को वो भी लागू कर चुकी है। हमारे जो पूर्व कृषि मंत्री है, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मेरा उद्देश्य देश को आगे बढ़ाना है, न तो किसी पार्टी को डिमोलिश करने का है और न ही किसी व्यक्ति को प्रश्न सूचक चिन्ह उनके ऊपर उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर लगाने का है। परंतु हमारे जो पूर्व कृषि मंत्री है उन्होंने भी यही कानून चाहा था और शायद राज्यों को धमकाया भी था कि आपको इन कानूनों को लागू करना ही होगा वरना वी विल टेक द एक्शन अगेंस्ट यू। अतः ऐसा माना जा सकता है कि इन कानूनों के अंदर देश हित की भी संभावना जरूर जरूर है। पूर्व सत्ताधारी दल, यू नो अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, जो हमारा पूर्व सत्ताधारी दल था केंद्र के अंदर वह भी लगभग यही चाहता था कि ये जो 3 कानून है ये भी कमोबोश या लगभग पूरे इसी रूप में लागू हो पाए। That's why हम ये कह सकते हैं कि केवल विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है और देश की जो ऊर्जाएं हैं उसको व्यर्थ किया जा रहा है। देश की अस्थिरता हेतु विदेशी फंडिंग भी होने की आशंका है। ऐसा कहा जा सकता है कि चाइना भी हो सकता है इस देश को अस्थिर करने के लिए कुछ फंडिंग कर रहा हो या पाकिस्तान के अंदर भी से भी कुछ फंड आ रहा हो जो कि देश को अस्थिर करना चाह रहा हो। और आप अखबार पढ़ ही रहे होंगे कि कनाडा और यूएसए के अंदर जो पंजाबी समुदाय है, हरियाणा के जो अमीर समुदाय है उनके द्वारा भी आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसका मतलब यह होगा कि देश का किसान अपने बारे में पूरी तरीके से भली भांति नहीं सोच पा रहा है, हमारी केंद्र सरकार उनके बारे में भला बुरा नहीं सोच पा रही है और विदेशियों को आकर इसके बीच में इंटरवेन करने का जरूरत पड़ रहा है और विदेशी सरकारों को इन मुद्दों के अंदर इंटरवेंशन करने का जरूरत पड़ रहा है। दैट्स वेरी रिडिकुलस। भारत अपने लिए निर्णय लेने में पूर्णतः समर्थ है मेरे मित्रों। और कुछ ऐसी भी न्यूज आई थी कि खालिस्तान विरोधी नारे भी लगे हैं, पाकिस्तान के समर्थन में नारे भी लगे हैं, CAA विरोधी नारे भी लगे हैं और शत्रु देश ने भी इसकी कुछ फंडिंग की है। तो मेरे मित्रों आखिर इसमें किसान आंदोलन बचा कितना है, ये एक इसका नकारात्मक पहलू है। और सातवां नकारात्मक पहलू है किसानों का हठयोग। जैसे एक बाल हट होता है, राज हट होता है, राजा भी अपने आप कई बार हठी हो जाता है, स्त्री भी हठी होने का प्रयास करती है और बालक भी हठी होते हैं, तो उसी तरीके से किसान भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि हठी कुछ होने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनका केवल एक चीज मानने का है, कानून वापस लीजिए। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि कानून आप बनाए रखिए परंतु कुछ कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट मुद्दों को वापस ले लीजिए, कि कानूनों में सुधार वो नहीं चाह रहे हैं, कानूनों को वापस लेने की बात कर रहे हैं। दैट इज रियली रॉन्ग।
हठ योग से थोड़ा दूर हमें होना चाहिए और देश को थोड़ा भविष्य की तरफ देखना चाहिए। तो मेरे मित्रों, हमने सकारात्मकता के बारे में चर्चा की, नकारात्मकता के बारे में चर्चा की, तो आइए खरी खरी चर्चा करते हैं, निरक्षर विवेचन करते हैं कि आखिर मेरी दृष्टि में क्या होना चाहिए। मित्रों, मेरा ये मानना है सरकारें दूरदर्शी होती है, उनकी जो विजन होती है भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच होती है कि अगले 20 साल में हमें अपनी कृषि को किस लेवल तक पहुंचाना है, हमें अपने देश को किस लेवल तक आगे जाना है। परंतु जनता वर्तमान पर ज्यादा ध्यान देती है और विपक्षी केवल आग लगाकर उसको कैसे करके ज्यादा आग लगाया जाए इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, राज्य अनीति के बारे में ज्यादा सोचते हैं। और इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, देश के अंदर कंप्यूटर का विरोध हुआ था, माननीय वाजपेयी जी जो कि एक बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्होंने संसद के सामने इसका विरोध किया था। और मेरे मित्रों, यदि आज कंप्यूटर नहीं आया होता तो हमारे देश और आपके देश का क्या हुआ होता? ये जो डाटागिरी हम कर रहे हैं, डाटागिरी के द्वारा हम जो दादागिरी कर रहे हैं, जिसके द्वारा मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं या आप मुझे देख पा रहे हैं, वो कुछ भी संभव नहीं होता यदि ये कंप्यूटर नहीं होता, यदि ये डाटा नहीं होता, यदि ये इंटरनेट नहीं होता। तो मेरे मित्रों, इस दुनिया में जो कुछ होना होता है वो होके ही रहता है, भले इसके लिए किसी भी आदमी की कुर्बानी क्यों ना हो जाए, किसी भी दल की कुर्बानी क्यों ना हो जाए। तो जनता वर्तमान पर ज्यादा ध्यान देती है और सरकारों का ये कदम होना चाहिए कि जनता के हित के अंदर यदि 20 या 30 साल आगे की हमें दृष्टि हमें रखना होता है और अंततः देश हित हमारा और आपका पूर्ण उद्देश्य है, न कि एक पार्टी का हित, न एक व्यक्ति विशेष का हित। और मेरे मित्रों, देश को जीवन निर्वाह कृषि पर ही क्यों रहना है? आपने 70 साल हमारे जीवन में देखे हैं, किसान कभी पजेरो गाड़ी नहीं खरीद पाया, किसान कभी मर्सिडीज नहीं खरीद पाया, किसान कभी फोर्ड नहीं खरीद पाया। तो किसानों को भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। कब तक आखिर हम किसानी को एक बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न वर्गीय रोजगार का साधन बनाते रहेंगे? हमें इसके आगे भी कुछ ना कुछ जरूर सोचना होगा जिससे कि किसान भाइयों का हित हो पाए। तो किसानों के दीर्घ हित के अंदर समान साझा पत्र का निर्माण होना चाहिए, एक कॉमन पोर्टफोलियो एक बनना चाहिए। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे मित्रों, न ये कोई न्यूक्लियर साइंस है। इसके अंदर क्या किया जा सकता है? अगर केंद्र सरकार ने भी कानून बना है, कुछ सोच समझ के बनाएंगे। ये हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो कि थोड़ा मुश्किल होंगे, थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं करने वाले होंगे, कुछ इल इंटेंशन भी हो सकती है। परंतु कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिसका कि जो हमारे पुराने विपक्षी दल थे, जिनकी कि केंद्र के अंदर सरकार थी, वो राजी थे। इसका मतलब कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसके ऊपर कि देश हित के अंदर पुराना विपक्षी दल और आज का सत्ताधारी दल दोनों लोग राजी थे। राज्य सरकार भी कुछ कुछ मुद्दों के अंदर राजी हैं। कृषि विशेषज्ञ एक से बढ़कर एक भारत के अंदर विद्यमान हैं, उनके सुझावों को इसके अंदर लिया जा सकता है। माननीय जो कृषि सहकारी जो कृषि के जो नेता है यूनियन के, उनका भी जो दीर्घ हित के अंदर जो भी उद्देश्य है उसको इसके अंदर वी कैन एकोमोडेट इन दैट वन। और यदि हम जो कॉरपोरेट क्षेत्र की हम बात करें तो उसके नैतिक सुझावों को इसके अंदर हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और मेरे मित्रों, जो भी कॉरपोरेट भाई इनको इस वीडियो को देख रहे हैं, नो नॉर्मल पे बैक थ्योरी विल बी एप्लीकेबल हियर। यदि आप गलती से भी ऐसा सोच रहे हैं, आज मैं 100 रुपए डाल दूं और 4 साल के अंदर अंदर कृषि मुझे पे बैक मेरा हो जाए और मैं बिल्कुल मुनाफा करना शुरू कर दूं, सॉरी मेरे मित्रों, इट विल नॉट पॉसिबल। वरना कृषि क्षेत्र तबाह हो जाएगा और यू विल बी ए न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि उन्होंने नील की खेती के अंदर किया था। आज से आजादी की लड़ाई के समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, नील की खेती करवाई थी और किसानों को बंधुआ मजदूरों की तरह ट्रीट किया था। यदि आप किसान भाइयों को अपना मित्र समझते हैं, अपना स्टेक होल्डर समझते हैं, सेवा तो मैं नहीं कहूंगा परंतु एक उचित मुनाफा यदि आप कमाते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर अवर नेशन, फॉर अवर कंट्री। तो मेरे मित्रों, हमें किसान भाइयों का सहयोग करना है जिससे कि हमारा कृषि क्षेत्र आगे बढ़ पाए। और व्हाटएवर विल बी द रीजन, इसे केवल प्रॉफिट मेकिंग का जरिया नहीं बनाना चाहेंगे। आपके पास में हजारों करोड़ की संपदा है, यदि थोड़ा बहुत कृषि क्षेत्र के अंदर भी यदि आप सेवा कर लें तो देश आपका उपकार कभी नहीं भूलेगा मेरे कॉरपोरेट भाइयों और बहनों। और मेरे मित्रों, कानून या जो शब्द होते हैं वो अपूर्ण होते हैं,
पालन करने और करवाने की जो नियत होती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप कोई भी कानून बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि उसका इंटेंशन, यदि मैं उसको इंटरप्रिटेट गलत करना चाहूं तो इंटरप्रिटेशन या जो इंटेंशन होती है वो मैटर करता है। यदि मेरे कंपनी का रूल ये कहता है कि अगर मैं 10 दिन तक छुट्टी पे रहता हूं मुझे कंपनी से निकाला जा सकता है, अगर उस कंपनी रूल को मैं बाईपास करना चाहूं, मैं 9 दिन छुट्टी मारूंगा, 10वें दिन आ गया, 11 से फिर छुट्टी मारूंगा और 20वें दिन आ गया, तो कंपनी का मैंने ये जो रूल था उसको तोड़ दिया। ठीक है, तो क्या कंपनी ने रूल इस बात के लिए बनाया था कि मैं उसको तोड़ता रहूं या इस तरीके से मिसयूज करूं? सॉरी मेरे मित्रों, इट इज नॉट गुड थिंग। तो कानून एक शब्द है, शब्द बहुत ज्यादा पूर्ण नहीं हो सकते, कुछ लोग उससे फायदा निकालेंगे, कुछ लोग उससे नुकसान निकालेंगे। तो मेरे मित्रों, मेरा यह मानना है कि धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारी जो कानून नियत है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपने हृदय की पवित्रता को बनाए रखें, जो हमारे मंडी व्यापारी हैं वो अपना उचित मुनाफा कमाएं, लालच न करें। महात्मा गांधी जी के शब्दों में या मोहनदास करमचंद गांधी जी के शब्दों में, पृथ्वी एक आदमी का भी लालच भरने में सक्षम नहीं है, परंतु वो दुनिया में हर आदमी की नीड या जरूरत को पूरा कर पाएगी। तो मेरे मित्रों, लालच से हम बाहर निकलें और अपने जो सीमित नजरिया है उससे कुछ थोड़ा हम बाहर निकलें, तो ये जो कानून है हमारे लिए काफी उपयोगी रहेगा। और यदि हम महात्मा गांधी, सॉरी क्षमा कीजिएगा, यदि हम मोहनदास करमचंद गांधी जी के यदि शब्दों में अगर बात करें, तो हमें हमारी जो ये पीढ़ी है, आपके और हमारे लिए एक नई चुनौती सामने आ गई है। वो देश को स्वतंत्रता करवाने की चुनौती नहीं है, वो है देश को किस तरीके से विकसित भारत बनाया जाए, किस तरीके से विश्व गुरु बनाया जाए, किस तरीके से सोने की चिड़िया, जो कि ड्रीम आप और मैं सोते जागते देखते हैं, उसको बनाया जाए। तो इस उद्देश्य के लिए यदि 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ, तो आज सहयोग आंदोलन की जरूरत है 2020 के अंदर, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ पाए। किसान अपना सहयोग करें जिससे कि घेराबंदी और घेराव की जरूरत न पड़े और देश हमारा चलता रहे। देश की जो नाड़ियां हैं, ट्रेन, सड़क मार्ग, हाईवे, ये चलते रहें, तभी देश की अर्थव्यवस्था चलती रहेगी, वरना करोड़ों और अरबों रुपए का घाटा इसमें हर दिन होता है, ना आपको कोई फायदा है और ना देश को कोई फायदा है। मंडी और जो व्यापारी, जो कि मैंने काफी ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, जो मैंने बोला था किसान भाई को ज्यादा मुनाफा नहीं मिल पा रहा है, गरीबी के कगार पे हैं, एक आम आदमी महंगाई का अनुभव कर रहा है, तो आखिर प्रॉफिट जा कहां पर रहा है? कुछ न कुछ मिडल में जा रहा है। तो मेरे मित्रों, मैं आपके ऊपर आक्षेप नहीं लगाना चाहूंगा, परंतु आई विल से उचित मुनाफा कमाइए, ये आपका हक है, परंतु आप लालच न करें, किसी का पेट न काटें। केंद्र और राज्य सरकारों को भी सहयोग करना आवश्यक होगा, यदि इस कानून में कुछ सच्चाई है तो हमें उस चीज का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा ना हो कि गुड़ खाएं परंतु गुलगुलों से परहेज, मैंने राज्य के अंदर तो कानून बना दिया, केंद्र के अंदर विरोध कर दूंगा। इट इज टोटली राजनीति, और भगवान करे अगर आप इस राजनीति का अवलंबन करते हैं, आपकी जो ये प्रॉफिट, सॉरी जो प्रवृत्ति है वो पूर्णतः नष्ट हो जाए, भगवान करे आप खुद नष्ट हो जाए, आपका दल नष्ट हो जाए। मुझे इस कड़वी बातों को इसलिए कहना पड़ रहा है मेरे मित्रों, क्योंकि देश के लिए मेरे मन में पीड़ा है, करुणा है कि किस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ पाए, और इस राजनीति को किसी भी हालत में जनता के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और मेरे मित्रों, इस सहयोग आंदोलन के अंदर कॉरपोरेट क्षेत्र को भी देश हित के अंदर अपना योगदान करना चाहिए, उसी से विश्वगुरु भारत, सोने की चिड़िया भारत या विकसित भारत का जो स्वप्न है वो साकार हो पाएगा। और नो डाउट हमें इस चीज का स्वप्न देखने का अधिकार है कि आखिर हमारे विश्वगुरु भारत, सोने की चिड़िया का भारत और विकसित भारत का जो किसान होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इंडस्ट्री लिफ्ट तो बहुत आगे बढ़ पाए, हर आदमी लाखों और करोड़ों रुपए कमाने लग जाए, लेकिन हमारे किसान भाई हमेशा वही साइकिल चलाता रहे, लूना चलाता रहे, ऐसा कभी भी नहीं होने जा रहा है। अगर देश का उत्थान होगा तो पूरी तरीके से जनता के हर आदमी का उत्थान होगा, यही तभी हमारा देश एक विकसित भारत या एक सोने की चिड़िया बन पाएगा। और ये कैसे हो पाएगा? अपने आप को किसानों की तरह रखकर देख लीजिए, कानून और व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। तो मेरे मित्रों, पुट योर फीट
इनटू देयर शूज, अपना जो पैर होता है अगले के जूते में रखिए, तो आपको कुछ समझाने का कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद जान जाएंगे उनकी क्या आवश्यकता है और उसे हम पूरा करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। और मेरे मित्रों, इन नटशेल, आई एम इन द सपोर्ट ऑफ द एमएसपी या जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। जब तक कि हमारा किसान सशक्त नहीं हो पाता है, तब तक अन्नदाता किसानों के लिए एमएसपी प्रणाली जो है, न्यूनतम मूल्य प्रणाली, उसको मैं समर्थन देता हूं, उसे लागू रहना चाहिए। तो मेरे मित्रों, ये एक सत्याग्रह है, ये एक सत्य के लिए आग्रह है, एक जनता का जनता के लिए। चॉइस इज ओनली ऑफ योर्स। एक कदम विश्व गुरु भारत की ओर हमें बढ़ाना होगा। संगच्छत्वम, आइए सब चलिए मेरे मित्रों। द मेकिंग ऑफ द ईडन गार्डन विल बी देयर। राम राज्य का इस धरती पर कुछ ही सालों के अंदर जरूर अवतरण होगा, यदि आप और मैं मिलकर सहयोग करते हैं तो। मेरे मित्रों, नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। कहना बहुत आसान होता है परंतु करना बहुत ही मुश्किल होता है। कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोई, कथनी तज करनी करे नारायण सो होए। कहना बहुत ही मीठा मीठा होता है, करना बहुत ही कड़वा कड़वा होता है, परंतु जो आदमी कथनी और करने के बीच में जो अंतर है उसको मिटा देता है, वो नारायण के समान हो जाता है। तो मेरे मित्रों, समसामयिक सीरीज या जो करंट अफेयर्स है उसके ऊपर सीरीज विल बी कंटिन्यूड फॉर द इंडिया। अंततः धर्म और अधर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित भारत बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु स्वप्न का पूरा करेगा। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साखी बनकर आया है भवरकर कविता का प्याला। कभी न कण पर खाली होगा, लाख पिए दो लाख पिए, दर्शक गण है पीने वाले, पाठक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। मेरे मित्रों, किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, फीडबैक होता है, आप नहीं संदेह मुझे अपना मित्र मानकर davi.praful@gmail.com पर उसे भेज सकते हैं। मेरे मित्रों, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे डियर फ्रेंड्स। आई प्रफुल डावी गो टू यू। मैं आप में छुपे जनता जनार्दन को नमन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। I'm not sure if you're going to be able to do that.